मौसम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि काफ़ी दिनों के बाद आपका भाई फिर से वीडियो अपलोड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली, नहीं बिलेटेड हैप्पी दिवाली, बिकॉज जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक तो दिवाली जा चुकी होगी। हाँ, तो फिर से एक नए सफ़र पर हम निकल पड़े हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे मेरा दिवाली सेलिब्रेशन। हरिपाल गया हूँ घूमने के लिए, मेरे एक दादा के यहाँ पे, कलीग के यहाँ पे, तो उनसे मिलवाता हूँ। ये है हमारे सुभजीत दा, डन। तो मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो गाइस, फाइनली वी रीच्ड एट हरिपाल स्टेशन। इसको लेके कहानी है, छोटी सी स्टोरी है। मुझे सुभजीत दा ने बताया, बट मुझे वो स्टोरी पूरा याद नहीं हुआ। वो स्टोरी आपको सुभजीत दा बता देंगे थोड़ा देर में। पहले हम लोग ये क्रॉस कर लेते हैं। हाँ सुभजीत दा, बताइए। तो बेसिकली ये जो स्टैचू आपने देखा था पिछले, वहाँ पे एक्चुअली ये हम लोगों का स्टोरी है कि हरिपाल में एक बार स्वामी विवेकानंद आया था 8 फुट मौत प्रतिष्ठान करने के लिए। तो ये हरिपाल स्टेशन में उतरने के बाद स्वामी विवेकानंद, उसका 12 शिष्य और उसके साथ साथ शारदा माँ एंड रामकृष्ण देव यहाँ से ही पैदल चल के 8 फुट तक गया था। तो वो लोग जहाँ जहाँ में रुके थे, तो हरिपाल में वहाँ में कुछ ना कुछ हुआ है इन फ्यूचर हम लोग देखे। तो ये एक है, यहाँ पे वो लोग पहले रुके थे कुछ खाना खाने के लिए। यहाँ पे उस टाइम झाड़ियाँ वगैरह हुआ करता था, कोई कॉलेज यहाँ पे नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे ये कॉलेज आया, तो कॉलेज का नाम भी स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय है। तो कॉलेज तो आपने देख ही लिया, उसके साथ स्टेशन पे जैसे ही आप उतरोगे तो वहाँ पे एक मेमोरेबल प्लेट है। मैं दिखा देता हूँ उसका भी स्क्रीन शॉट एक बार आपको, कि कैसा बना हुआ है। और अभी हम लोग पैदल जो है निकल पड़े हैं सुभजीत दा के घर पे। सुबह से शायद हमने कुछ ज़्यादा अच्छा खासा भोजन भी नहीं किया है, तो देखते हैं क्या होता है। और अगर आप सैटरडे को बंगाली लोगों के घर पर जाते हो तो आपको वेज आइटम मिलेगा। जैसे कि पता है कि आपका भाई वेज खाता है, तो उसी दिन देख के ही जो है उन लोगों के घर पर धावा मारता है ताकि खाने के लिए वेज ही मिले। और नहीं तो आप लोगों को पता है तो बंगाली लोगों का फूड कैसा होता है, एवरी डे नॉन वेज डे। Thank you.
बताइए इस जगह के बारे में खासियत। जैसे मैं वहाँ पे बताया कि वहाँ पे कुछ खाने के लिए बैठा था स्वामी विवेकानंद, उसके बाद वहाँ पे वो कॉलेज हुआ है। वैसे इस जगह का भी स्टोरी है, यहाँ पे पहले फूलों का झाड़िया हुआ करता था। कुल मतलब एक टाइप का मतलब पेड़ होता है, उसका अचार वचार बनता है उसका फल का, और उसमें एक कांटा होता है। हाँ, उसका कांटा उसका विवेकानंद जी का पैर में फंस गया था, तो इसी वो जगह है जहाँ पे सरोदा माँ उसका पैर से वो कांटा निकला था। तो बाद में देखिए यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल बन गया, जो इस ब्लॉक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हरिपाल हॉस्पिटल। ये वाला हॉस्पिटल, ये एक्चुअली हॉस्पिटल का पीछे का साइड है, एंट्री उधर से है। अच्छा, एंट्री भी दिखा देते हैं। और जो आठपुर का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे विवेकानंद जाके फाइनली उसका शिष्यों के साथ मठ स्थापना किया है, वहाँ पे एक दूसरा वीडियो में लेके जाएंगे रविंदर को भी, आप लोगों को भी दिखाएंगे उस जगह को भी एकदम। जैसा कि सुभजीत दा बता रहे थे, वो एक हॉस्पिटल यहाँ पे बना और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बना, इस ब्लॉक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये जो ब्लॉक है उसका हॉस्पिटल का जो फर्स्ट गेट है वो ये रहा सीन, ये रहा वो हॉस्पिटल, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी अभी आपको सुनने को मिलेगा जिस जिस जगह में स्वामी विवेकानंद जी से और उनके शिष्यों से जुड़ी कुछ चीज़ें हुई है, और उसी को लेके यहाँ पे कुछ ना कुछ एक चीज़ बना है, उसके पीछे एक इतिहास है, वो सारा चीज़ वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ब्लॉग को एंड तक देखना, दिवाली सेलिब्रेशन भी इसमें करने वाला हूँ, और जब तक ये वीडियो आप देखोगे तब तक दिवाली जा चुकी होगी। बट क्या करें, आपके भाई का काम ही ऐसा है कि वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड करता है। सो बी लेटेड, हैप्पी दिवाली। कौन कहता है कि सिर्फ लड़कियाँ ही पराई होती हैं? अजी, हम लड़के भी पराए हो जाते हैं इन जिम्मेदारियों के तले दबकर। सुजीदा जैसे जैसे घर के पास पहुंच रहे थे, उनका एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था और उनके चलने की रफ्तार भी बढ़ रही थी, और देख ही सकते हैं आप कैसे खुश नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद वो भी घर लौट रहे हैं, और कुछ इस तरीके का वहाँ का इन्वायरमेंट है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जैसा कि आप पता है, आपके भाई को नेचर बहुत पसंद है, नेचर लवर है, तो ये सब हरियाली देख के आपके भाई का दिल रोम रोम खिल पड़ा। तो भाई वहाँ पे सुबह जिंदा बैठे हैं, अपना फेवरेट फूड खा रहे हैं, और मेरा यहाँ पे मेनू में चावल है, यहाँ पे जैसे तो चावल, ये क्या था भूल गया, बड़ा पोस्ता, दाल, और ये पता नहीं था ये क्या था, आलू भाजा, और ये चोखा, और ये साग। ये रहा मेनू, काफ़ी दिनों के बाद कंप्लीट भोजन मिल रहा है, मतलब सही तरीके से, क्या मतलब इतना वैरायटी से मुझे नाम ही नहीं पता है। खाता हूँ उसके बाद बताता हूँ टेस्ट कैसा है। अभी हम लोग का खाना पीना हो गया, फर्स्ट क्लास दबा के खाना खाया मैंने, हाँ दवा के खाना खाएँ, उसके बाद अभी जो है सोने जा रहे हैं, थोड़ा आराम वराम करेंगे, फिर शाम को क्या करना है, वाह राजा वाली लाइफ। घर में फंसने के बाद ऐसे ही लगता है राजा वाली लाइफ, और फिर जब हम लोग वापिस कौन नौकरी में जाना होता है तो समझ में आता है असली में हम राजा नहीं है। सब मतलब उस समय ये वाला गाना याद होता है, छन से टूटा है जो सपना, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब। तो गाइस यार सुजीत दा बाइक चला रहे हैं, मेरा एक्चुअली बाइक चलाने का बहुत शौक है, बाइक चलाता भी, बट अगर बाइक मैं चलाता तो आप लोगों के साथ कैसे बात करता। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जो है हरिपाल के मार्केट में आए हैं। वेस्ट बंगाल में अभी पूजा का माहौल बना हुआ है। वेस्ट बंगाल की खासियत है, जब पूजा शुरू होता है ना तो पूजा लगा ही रहता है। विश्वकर्मा पूजा से शुरू होता है, दुर्गा पूजा आता है, काली पूजा आता है, लक्ष्मी पूजा आता है, और न जाने क्या क्या पूजा आते ही रहता है। लोग उस समय उतने खुशहाल होते हैं, चारों तरफ मिठाइयाँ बन रही होती है, चारों तरफ लोग इतने खुशहाल तरीके से पूजा कर रहे होते हैं। हमने भी वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पे काली माता का दर्शन किया और उनसे प्रार्थना की कि हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद हमने कुछ खरीदारी वगैरह भी की, मार्केटिंग की अगले दिन ही, क्योंकि दिवाली था। तो उसके बाद हमने कुछ खरीदारी वगैरह करते हुए सड़क पे जो प्रोग्राम होते हैं उसे देखते हुए घर लौटे।
सो गाइस ये जो यहाँ पे गाड़ी रखा हुआ है यमहा, कौन सा यमहा? क्रूक्स है ना, यमहा क्रूक्स, तो ओल्ड इज गोल्ड होता है ना, तो यार ये ओल्ड इज गोल्ड है। मेरे को मतलब ये सब गाड़ी और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना भी पुराना मॉडल की गाड़ी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। नए वालों से ज़्यादा इसके अंदर पावर भी होता है और चलता भी अच्छा है, तो मज़ा भी ज़्यादा आता है इस पर। सो गाइस पहले क्या होता था, जब मैं छोटा था तो मुझे पटाखे वटाखे बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसा कि मैं आपको बताया कि हर एक फेस्टिवल को मैं काउंट करता था, 1 2 3 मतलब कितने दिन बचे हैं, और अभी का सीन है ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो पहले की बात मैं बताऊँ क्या होता था, दीपावली के दिन, उसके दीपावली दिन के 3-4 महीने पहले से मैं पटाखे का मतलब जुगाड़ करना शुरू कर देता था। रस्सी बम, लक्ष्मी बम आया तो हाँ उस टाइम में लक्ष्मी बम चलता था, लक्ष्मी बम मतलब जितने भी टाइप के पटाखे हो सकते थे सब खतरनाक से खतरनाक लाके मैं जमा कर लेता था। और क्या होता था, एक एक करके दो दो करके बजाता था और वेट करता था कि पूरे मतलब गली का जब ख़त्म हो जाएगा पटाखा सबका बजाना बंद हो जाएगा तो मैं उसके बाद छोड़ना शुरू करूँगा। और उसके बाद जब सबके देखता हूँ कि 12 बज गए, 1 बज गए, धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके बाद मैं फिर धड़ाधड़ फोड़ने शुरू करता था। उसके बाद और क्या होता था, गली के 2-4 लौंडे आके बोलते थे अबे आप क्यों पटाखा जला रहा है, अब तो सोने का टाइम हो गया, अब तो सोने दे। तो ये सब सीन हुआ करता था। शाम का वक्त है और अब हम लग पड़े हैं दिवाली की तैयारी में। पंडित जी को बुला लिया गया है और हम कुछ इस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने जो है घर को अच्छे तरीके से दीप और दियों से मोमबत्तियों से जलाया, और उसके बाद फिर हमने पटाखे वटाखे भी जलाए। और अगले दिन फिर जल्दी हमें उठना था तो सो गए और मिलते हैं कल सुबह। सो हरिपाल में दूसरा दिन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिपाल। और अभी हम लोग जस्ट दौड़ते हुए ऑफिस की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी रूम पे जाना है, रूम से मैं फिर तैयार होकर ऑफिस जाऊँगा, सुबह जितना डायरेक्ट ऑफिस जाएंगे।